नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हेल्थ एम्प्लॉयज कॉर्नर। तो दोस्तों, आज हम ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि ANC के वैक्सीनेशंस की एंट्रीज को UIN पोर्टल पे कैसे करना है। जी हाँ, प्रेग्नेंट मदर की वैक्सीनेशन एंट्रीज को तो आप ऐप से भी जा सकते हो और गूगल क्रोम से भी जा सकते हो। ये मैं ऐप में जाता हूँ, फैसिलिटी साइट सेलेक्ट करता हूँ और सेशन पे कर देता हूँ क्लिक। और सेशन पे जाने के बाद अंदर ये फिल्टर का ऑप्शन आता है दोस्तों, ये फिल्टर पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ से भी आप उसे सर्च कर सकते हो उस बेनिफिशियरी को, आधार मोबाइल और जो भी डिटेल्स है उसके द्वारा। लेकिन मैं पीछे आता हूँ फिर एक बार डैशबोर्ड पे, तो डैशबोर्ड पे ऊपर ये सर्च का ऑप्शन है, इसमें जाके हम देखते हैं कि यहाँ से कैसे उसे सर्च करना है। तो मेरे पास उस बेनिफिशियरी का आधार नंबर है, मोबाइल नंबर उसके पास नहीं है, तो आधार के द्वारा यहाँ पे मैं उस बेनिफिशियरी को सर्च करता हूँ। ये कुछ पर्सनल डिटेल्स होते हैं तो इसे मैं हमेशा हाइड कर देता हूँ। और ये नीचे उसका नाम आ गया है और उसका मोबाइल नंबर भी है, मोबाइल नंबर मैं नोट डाउन कर लेता हूँ और इस पर क्लिक कर देता हूँ और बढ़ता हूँ आगे। तो ये नाम जो है बेनिफिशियरी का, यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद ये बेनिफिशियरी डिटेल्स आ गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो येलो वाला एडिट वाला जो ऑप्शन है, इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो इस बेनिफिशियरी का नाम और मोबाइल नंबर यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। तो आप चाहो तो यहाँ जो भी एडिट आपको करना है वो कर लीजिए। यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर मुझे एडिट करना था तो मैंने कर दिया है। जिसके बाद ये जो बॉक्स है चेक बॉक्स, इसे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। इसके बाद जो है ना दोस्तों, OTP जाता है वैक्सीनेटर को। जी हाँ, एडिट करने के लिए हमें OTP की आवश्यकता होती है। यहाँ पे OTP कंपलसरी है, यहाँ पे उसे स्किप नहीं कर सकते। तो वैक्सीनेटर को जो OTP आता है वो यहाँ पे डाल दीजिए और कर दीजिए सेव चेंजेस पे क्लिक। तो ये OTP मैंने डाल दिया है, सेव चेंजेस पे मैंने कर दिया है क्लिक। और जिसके बाद ये मैसेज यहाँ पे आ गया है और उस बेनिफिशियरी के डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे। तो डिक्लेयर प्रेगनेंसी इस बटन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे हमें LMP डेट जो है उसे करना है सेव। तो ये कैलेंडर पे क्लिक करके उस डेट को मैं कर देता हूँ सेव। तो उसके बाद ब्लड ग्रुप जो है वो कंपलसरी नहीं है, आपके पास मौजूद है तो डाल दीजिए। जिसके बाद लास्ट प्रेगनेंसी आउटकम की जो डेट है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। अभी मेरी ये जो बेनिफिशियरी है ये प्राइमरी है तो यहाँ पे मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा। और अगर आपने यहाँ पे डेट नहीं डाली तो उसका TD फर्स्ट सेकंड आता है या बूस्टर आता है ये पता नहीं चलेगा। तो सेकंड है, मल्टीपैरा है, तो ये डेट आप जरूर डालें। जिसके बाद कर दीजिए सेव पे क्लिक और बढ़िए आगे। ये सेव करने के बाद यहाँ पे उसके डिटेल्स आ जाते हैं। ये वैक्सीनेशन का स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग ही दिखाई दे रहा है। तो उसके ऊपर की तरफ रिकॉर्ड प्रीवियस वैक्सीनेशन है, अगर इसका कुछ वैक्सीनेशन हुआ है इससे पहले तो उसे आप इस ऑप्शन में जाके सेव भी कर सकते हो। लेकिन आगे भी ऑप्शन मिलने वाला है, मैं फिलहाल तो बैक आता हूँ बेनिफिशियरी डिटेल्स से और फिर एक बार बैक आता हूँ और जाता हूँ वैक्सीनेशन सेशन के अंदर। जी हाँ, सेशन पे मैं क्लिक कर देता हूँ और सेशन पे क्लिक करने के बाद फिर एक बार मैं सेशन के अंदर आ गया हूँ। यहाँ के फिल्टर में अब मैं जाता हूँ, सेशन के अंदर जो फिल्टर है तो उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और मोबाइल नंबर मुझे मिल गया है तो मोबाइल से मैं उस एंट्री को सर्च करता हूँ, अप्लाई पे कर देता हूँ क्लिक। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद उसके डिटेल्स यहाँ पे आ जाते हैं, ये उसका नाम और सब कुछ यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे ये जो राइट साइड में ऊपर की तरफ प्लस और ये सिंबल है ऐड टू सेशन, इस बटन पे हमें करना है क्लिक। इस बटन पे क्लिक करने के बाद अब ये बेनिफिशियरी जो है दोस्तों, अब ये हमारे वैक्सीनेशन में आ गई है, इस साइट में आ गई है। देखिए शेड्यूल में उसका नाम आ गया है और नीचे उसके डिटेल्स आ गए हैं, मैसेज आ गया है। तो यहाँ पे फिर एक बार आप चाहो तो ऊपर की तरफ एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप उसे एडिट कर सकते हो, लेकिन मैं उसे क्लिक कर देता हूं और बढ़ता हूं आगे। आगे जाने के बाद ये आधार EKYC में बाय डिफॉल्ट जाता है, तो इस ऑप्शन में हमें आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन है, स्कैन है, OTP है, ये ऑप्शन हमें नहीं चाहिए। तो हमें जाना है लेफ्ट साइड वाले,
मैनुअल वेरिफिकेशन इस ऑप्शन में। तो मैनुअल वेरिफिकेशन के ऑप्शन में अब मैं कर देता हूँ क्लिक। ये मैनुअल वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद जो है ना दोस्तों, नीचे की तरफ आपको ये अपलोड फोटो आईडी वाला ऑप्शन आता है, लेकिन फिलहाल तो कोई भी अपलोड आपको नहीं करना है, ये हम स्किप कर सकते हैं, इस पर क्लिक नहीं करना है, कंटिन्यू पे करना है और बढ़ना है आगे। ईयर ऑफ बर्थ, उस एएनसी की ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दीजिए, कंटिन्यू पे कर दीजिए क्लिक। ये वेरिफिकेशन जो है ये पूरा हो गया है, फाइनल कर दीजिए कंटिन्यू। अब हम आगे आ गए हैं, तो यहाँ पे भी दोस्तों करंट वैक्सीनेशन, प्रीवियस वैक्सीनेशन, ये दो ऑप्शन जो है वो हमें नजर आते हैं। अगर उसके कुछ टिके लगे हैं तो प्रीवियस वैक्सीनेशन में जाके हम उसे यहाँ पे टिक करके भर सकते हैं, लेकिन इस बेनिफिशियरी के कोई टिके लगे नहीं है, तो मैं करंट वैक्सीनेशन पे आता हूँ। और आगे बढ़ने से पहले एलजीडी विलेज को मैं कर देता हूँ सिलेक्ट। आप एलजीडी विलेज को भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर टैग टू सेशन साइट, ये जो बॉक्स है यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। तो आज इसका टीडी का टीका लगने वाला है पहला, तो ये यहाँ पे टीडी पे एलिजिबल आ गया है, यहाँ पे डेट नहीं आती है, तो यहाँ टीडी पे मैं क्लिक कर देता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू पे कर देता हूँ क्लिक। तो आगे बढ़ता हूँ, ये देखिए फिर एक बार रिव्यू आ जाता है, चेक कर लेना है जो भी जानकारी हमने भरी है वो सही है या नहीं। अगर वो बेनिफिशियरी डोज नहीं लेता है, वैक्सीन नहीं लेता है, तो रिजेक्ट मेंबर पे आप क्लिक कर सकते हो या फिर वैक्सीनेट मेंबर पे क्लिक करके आप इसे कर सकते हो सेव। तो ये हमारी एंट्री सेव हो गई है। ये डाउनलोड पे जाके आप उसका जो वैक्सीनेशन कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन हर बार तो हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन देखते हैं यहाँ पे इसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ये यहाँ पे आ गया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, अपने स्वास्थ्य कर्मी भाई और बहनों में शेयर भी करें, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। धन्यवाद।